मम्मी सब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या करने जा रहे हैं आप? आज आपकी पसंद के कपड़े मामा ने लेनी है, ओके? जो रमीज ने कपड़े कहने हैं वो लेनी है, जो फाइक ने कहना है फाइक की पसंद के लेनी है, ओके? चला कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है मामा के साथ। भाई भी जा रहे हैं और मिस नताशा भी जा रही है। रमीज तो वैसे ही साथ जाते हैं ना, है ना? आप ओके बाय का दो। रमीज सब क्या पढ़े हैं? अस्तगफिरुल्लाह। कितनी दफा आपने पढ़ना है? 50 दफा, ठीक है। कितनी दफा आपका हो चुके? एक मिनट, 32 दफा हो गया। क्या पढ़ी है? अल्लाहु बोलो। अल्लाहु बोलो। अल्लाहु फ्रेंड, अल्लाहु बोले। अल्लाहु बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह फ्रेंड, अब अल्लाह बोले। अल्लाह फाइक, आज की आपकी एक्टिविटी में आपने 50 टाइम्स की क्या पढ़ना था? इसका तर्जमा भी बता दें। इसका मायने ये है, अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचा। गुड, अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचा। गुड। हाँ जी नताशा, आज आप सुनाइए आपने जो हदीस याद की है। मैंने जो हदीस याद किया वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को नेमत अता फरमाता है और वो बंदा उस नेमत को अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो बंदे ने उससे अदा किया होता है वो उसे भी नेमत से भी अफजल है। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और आई होप आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। और आज हम लोग जा रहे थे जी मार्केट बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ मार्केट मैंने जाना था क्योंकि इस ईद पे बच्चों को उनकी पसंद के मैंने कपड़े लेके देने थे। तो बस हम लोग जो हैं वो जा रहे थे मार्केट, पेरिस में मैंने इनको लेके जाना था। और बहुत साल गुजर गए हैं कि मैंने बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े वगैरह जो है वो नहीं लेके दिए, तो आज मैं सोच रही थी कि बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े जो है वो लेके दिए जाएं। और आज मुझे 5 साल पहले वाला टाइम जो है वो याद आ रहा था कि जब अपनी मर्ज़ी से बच्चे अपनी चीज़ें ख़रीदते थे या कोई जो टेंशन फ्री होके सब जो है वो ईदें गुजरती थी। तो आज ये बहुत सालों के बाद ये दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम आया है कि मैं बच्चों को उनकी मर्ज़ी के कपड़े जो है वो लेके दे रही थी। और एक बच्चा कह रहा था, रमीज कह रहा था, नहीं आप फाइक को ले दो। फाइक कह रहा था, नहीं आप जो है ये कपड़े रमीज़ को ले दो, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे उनकी छोटी छोटी बातों पे बहुत प्यार आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, आप दोनों के लिए जो है वो कपड़े आज मैं खरीदूँगी। बस अल्लाह करे कि मेरे हस्बैंड इस रमज़ान के सदक़े में जल्दी से ठीक हो जाएं और वो पुराना वक्त जो है लौट कर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, एक हैप्पी लाइफ जो है वो हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर दें। और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ज़ात पे यकीन है कि वो ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। और बस सब्र रखना चाहिए जैसे भी हालात हों, और मेरे बच्चों ने मेरे से ज़्यादा सब्र किया है इन सालों में, तो अल्लाह ताला कैसे जो है इंसान को मायूस कर सकता है या कैसे उसके सब्र का फल उसको नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सबसे पहले मोनोप्रिक्स के, वहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा जो है वो कपड़े पसंद नहीं आए क्योंकि वहाँ पे एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थे। फिर हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे मैं इनको ले के गई और वहाँ से हम लोगों ने जो है वो कपड़े खरीदे। नताशा कह रही थी, मामा सबसे पहले जो है हमने डैडी के कपड़े खरीदने हैं, उसके बाद जो है फाइक रमीज के कपड़े खरीदेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है गए ज़ाहरा पे, और ज़ाहरा से जो है वो मुझे बहुत अच्छे कपड़े जो है वो मिल गए। और यहाँ पे बैग्स मैं देख रही थी नताशा के लिए, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो नताशा कह रही थी, मामा मुझे बैग नहीं चाहिए। हम लोगों ने फिर पहले सबसे नवीद के कपड़े जो है वो देखे और बहुत अच्छे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह से उनके हमें मिल गए।
और एक कॉटन की पेंट शर्ट मैंने उनकी ली है और एक जो है वो जीन्स में ली थी, और हमेशा से उनका फेवरेट कलर था वाइट और स्काई, तो मैंने सोचा कि आज जो है उनकी पसंद के लिए जाएं, वाइट और स्काई कलर की जो है वो दो शर्टें हमने ली और साथ ही जो है पैंटें भी दो ली। और बहुत अच्छा लगता है ना कि जब आपको आपकी पसंद की फेवरेट चीज़ जो है वो मिल जाए और ज़्यादा घूमना फिरना भी ना पड़े। और कहा उनको पहले लार्ज आता था फिर मीडियम और अब स्मॉल उनको आता है, और बहुत तकलीफ़ होती है उनको देख के, इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं। अल्लाह करे जल्दी से उनका किडनी चेंज हो जाए और जल्दी से जो है उनकी सेहत पहले जैसी वापस आ जाए। और मेरे हस्बैंड भी वो भी साथ साथ थे, और रमीज़ जो है उनके साथ मस्तियाँ कर रहा था अपने डैडी के साथ। और फिर बच्चों के सेक्शन में मैं आ गई, और यकीन करें जब बच्चों के सेक्शन में आती है जो सबसे छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं, रमीज़ ये देखें बहुत अट्रैक्टिव, आपको ये वाली पैंट चाहिए या आपको ये वाली पैंट चाहिए बताएँ? नहीं मेरी मर्जी नहीं, आज मैंने आपको साथ लेके आई हूँ कि जौन सी रमीज़ ने लेनी है बताएँ मुझे कौन सी अच्छी लग रही है। नहीं आपको ये पॉकेट वाली पसंद है तो पॉकेट वाली ले लें भी, ठीक है चलो गुड। ये हमने सेट मैच किया इसके साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट बन गया उसका, यहाँ रखो सही मैच कर गई है शर्ट और पैंट, चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने या रमीज़ के भी कपड़े ले लिए, और फाइक जो है उसके भी मैंने साथ क्याबी से लिए थे, क्योंकि उसकी रमीज़ जैसी सेम पैंट उसने कहा था मैंने इस तरह की नहीं लेनी, तो थोड़ी डिफरेंट मैं सोची थी उसकी पैंट हो, तो फिर हम लोगों ने वो जो है वो क्याबी से ले ली। और मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन होती जा रही है, यहाँ यूरोप में भी उससे भी ज़्यादा जो है महंगाई होती जा रही है। छोटा सा बैग नताशा देख रही थी और वो 40 एरो का था, और फिर नताशा के लिए भी मैंने एक लेना था पजामा, लेकिन वो हमें उसके नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो फिर वहाँ से देख लेंगे। रमीश तो उसके बाद जो है आइसक्रीम खा रही हो? ने कहा कि हमने कितने हैप्पी हो, कितने हैप्पी हैप्पी हो। नताशा रोज़ा किसे खोल रही है? वाह चलो, नताशा की टीम जो है अपनी शॉपिंग करने के बाद, नताशा की टीम नहीं मिस्टर नवीद की टीम, चले जी मिस्टर नवीद की टीम जो है वो भरपूर अपने दिन की दिन गुजारने के बाद शॉपिंग करने के बाद जो है अब थकी थकी टूटी है, थकी और मीज नहीं थोड़े थोड़े ओके, नहीं आज तो आप लोग नहीं थकते, तो जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, 6 मिनट की बात ट्रेन है। चलो 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 फाइक रमीज, चलो 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 रमीज फाइक चलो, नताशा कर रही है इफ्तार, रैन भी इफ्तार कर रही है, फाइक भी इफ्तार कर रहा है, और मगरिब जो है वो हो गई है, रमीज भी कर रहे हैं, सब इफ्तारी कर रहे हैं, डैडी भी कर रहे हैं गुड। इधर 1 1 2 गुड वन टू थ्री ओ हुरैन जीत गई, हुरैन जीत गई गुड, क्लैपिंग कर दो के भी। घर आके बच्चे जो हैं बहुत थक गए थे, अभी बच्चे जो हैं वो सो गए। और यहाँ पे चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। इंसानी दिमाग भी कहते हैं बहुत अजीब चीज़ है, और चुन चुन के वो यादें और लम्हात लेके आता है जो इंसान को असीयत देते हैं, लेकिन क्या किया जाए, इन सोचों को क्या डिलीट किया जा सकता है, बज़ाहिर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं कि कुछ ट्रेनिंग लेते हैं जिससे इन सोचों के मौज़ी असरात से बचा जा सके, इनको कम से कम किया जा सके। नंबर 1 चेंज द स्क्रिप्ट, मसलन एक हम बुक पढ़ रहे हैं तो जिस चैप्टर पर हों अचानक से ढेर सारे चैप्टर्स को चेंज करके लास्ट चैप्टर पे आ जाएं या चैप्टर चेंज कर दें, बिल्कुल इसी तरह अपने दिमाग में सोचों को पलट देना चाहिए, एकदम दिमाग नई चीज़ सोचना शुरू कर देगा। नंबर 2 जैसे दीवार पर पेंट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह अपने दिमाग की सोचों पर भी पेंट कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए ताकि पुरानी सोचें इंसान को तंग न करें। नंबर 3 ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट,
माजी को सोचना ही छोड़ दें, जो प्रेजेंट है उसमें रहना सीखें। नंबर 4, अरेंज योर थॉट्स। फजूल सोचों को जहन से निकाल दें और अच्छा सोचना शुरू कर दें, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। याद रखें, दिमाग हमारा ग़ुलाम है, हम दिमाग के ग़ुलाम नहीं हैं। और इन अच्छी अच्छी बातों के साथ यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पे ही नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी थम्स अप ज़रूर करें और बेल आइकन के साथ चैनल को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बिलखसूस मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।